हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? रश्मि कॉर्नर रश्मि में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है, क्या आपका बच्चा भी बहुत चिल्लाता है और आपकी बात नहीं सुनता है? तो आज मैं उसके कुछ ऐसे टिप्स बनाऊंगी जिससे बच्चे आपकी बात मानने लगेंगे और आपका कहना मानेंगे। लगभग बहुत सारी माओं की ये परेशानी होती है कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं मानते हैं। थकान, परेशानी और चिड़चिड़ाहट, झल्लाहट और निराशा वाला अनुभव कई माओं को होता है क्योंकि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, थकान, परेशानी और चिड़चिड़ाहट, झल्लाहट और निराशा देने वाले अनुभव जो कई माओं के हर दिन झेलना पड़ता है। सबसे पहले आप बच्चों का ध्यान खींचिए। पहला टिप्स मैं ये बता रही हूँ, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने? तो सबसे पहले उनका अटेंशन पाने की कोशिश करें। जब वे आप पर ध्यान देंगे तो आपकी बात सुन पाएंगे। आपकी बात उनके लिए एक आवाज़ है। आप क्या कहती हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब सवाल उठता है कि अपने बच्चों का अटेंशन कैसे पाया जाए? जब आप अपने बच्चे से कुछ कह रही हो तो बैकग्राउंड में किसी भी तरह का शोर नहीं होना चाहिए। टीवी, म्यूज़िक, वीडियो गेम्स, खेम्स आदि को आप हटा दें। जब बच्चों को आप कोई बात समझा रही हैं, बच्चों को दूर से ही नहीं बल्कि उनके पास जाकर अपनी बात कहें। दूसरे कमरे से अपनी बात कभी भी ना कहें। बातचीत करने से पहले अपने बच्चों को हाइट के अनुसार झुक जाए। अगर हो सके तो बैठ जाए और उनकी आँखों में आँखें डालकर ये बात कहें। जब वे आपसे बात कर रहे हो तो आप काम कर रही हैं उसे छोड़ दो और ध्यान से उनकी बातों को सुने। उसके बाद है स्पेसिफिक रहें। आपको जो भी बात कहनी है उसे पॉइंट पर रख के हमेशा बच्चों से बात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे वाक्य और बहुत बड़े बड़े वाक्य नहीं बल्कि बच्चों के अनुसार बच्चों वाली बात आप बोलिए, लेकिन उसमें अपने पॉइंट्स को आप रखिए। घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहिए। सरल और सीधे शब्दों में उन्हें अपनी बात समझाइए। कई बार बच्चों को इसलिए भी आपकी बात नहीं याद रहती क्योंकि उनके बहुत लंबा निर्देश दिया और उन दिमाग से उनकी बात निकल जाती है। तुम अपने कमरे में जाओ, यहाँ खड़े मत रहो, कहने के बजाय रूम कहे। वक्त और शब्द, अधिकतर स्कूलों में टीचर वेट टाइम्स के कंसेप्ट रखती है। जब आप अपने बच्चे से कुछ कहे तो उनसे कम से कम 7-8 सेकंड का समय दें ताकि वे आपकी बात को समझ सके। इसी ट्रिक से बच्चे स्कूल में बात सुनते हैं। कुछ बच्चों को इससे ज़्यादा समय लग सकता है क्योंकि सभी बच्चे तो बराबर नहीं होते हैं। अगर मेरे खुद 2 बच्चे हैं और दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आपका बच्चा तुरंत जवाब नहीं देता और ज़रूरी नहीं कि वो आपकी बात को नज़रअंदाज कर रहा है, वह सोच रहा होता है कि उसे क्या करना है और कैसे जवाब देना है, इस वक्त में आप चिल्लाने ना लग जाओ और थोड़ा टाइम दें ताकि उनके दिमाग में डेटा प्रोसेस हो सके। क्योंकि सभी तो एक नहीं है, उनसे पूछे नहीं बल्कि बताए, बेटा क्या तुम नमक पास कर सकते हो? इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। अगर आप चाहती है कि आपका बच्चा आपकी बात माने तो उनसे पूछे नहीं बल्कि कहे। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगी, आप अगले घंटे में अपना काम, बेटा अपना कमरा साफ कर लो, आप अपने जूते उतार लीजिए बेटा, या कहे सूज प्लीज़। ऐसे करके आप रिक्वेस्ट करें, बच्चों को विकल्प दें। सभी बच्चे हर निर्देश का पालन करने वाले नहीं होते हैं। जब आप उन्हें कुछ कहने के लिए कहती है तो वे आपकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, विद्रोही हो जाते हैं, खासकर जब वे टीनेज में पहुंचते हैं। आप उन्हें चॉइस दे की ताकत हमेशा दीजिए, उन्हें विकल्प दीजिए, जैसे या तो रूम साफ़ कर लो या फिर बहनों के साथ मूवी ना देखने चले जाओ, तो ये बात अपनी टेबल साफ़ कर ले या फिर बर्तन साफ़ कर लेना। ऐसे आप उन्हें अलग अलग चॉइस दीजिए। इस तरह के कुछ टिप्स मैंने बताए हैं जिससे बच्चों का चिड़चिड़ापन रोका जा सकता है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।